कैसे बनता है नमक और पहुंचता है आपके घर तक, जानिए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट। नमक तो दोस्तों अब हम जो है वो डीडवाना के अंदर हैं और डीडवाना के पास में है खारे पानी की झील, उसी के पास में हम जा रहे हैं। एकदम नजदीक में ही है, एकदम खुला मैदान पड़ा है। देखिए दूर दूर तक ऐसे सीन आपने फिल्मों के अंदर ही देखे होंगे। वाओ कितना जबरदस्त है, खुला सीधा चलते रहो, इधर उधर गाड़ी कहां पर भी ले सकते हो। यहां पर जो नमक बनता है हम अभी आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं गाड़ी आने के लिए रास्ता कहां से है। बहुत ही गजब का सीन है अभी यहाँ पर जो है वो, जैसे पूरा मैदान जो है अधिकतर सूखा पड़ा है, तो इसका जो व्यू है वो भी यहाँ पर आपने देखा होगा, जो मूवी देखी थी ना आपने हाईवे, उसमें कई सारे सीन यहाँ के राजस्थान के यहाँ पर आते हैं। शायद वो सीन सांबर का भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो इसी तरह का है, खारे पानी की झील है वहाँ पर भी और नमक बनता है। तो ये देखिए बना हुआ नमक मैं आपको दिखाऊँ, नमक जो काफ़ी कड़क पक्का लग रहा है, यहाँ पर हाथ से उठेगा ही नहीं। इसके छोटे छोटे कंकर है ये हम उठा सकते हैं, और आप बता देना भैया आपको भेजना है 2-4 कट्टे, तो मैं यहाँ से भेज देता हूँ। ये देखिए नमक, ये इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से जाएगा ट्रैक्टर भर करके जा रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगी है उनसे क्लीन होगा, फिर हम तक पहुँचेगा। और इसी तरह से दिखाऊँ मैं आपको कैरी में नमक किस तरह से है, यहाँ पर देखिए ये जैसे जैसे सूख रहा है, देखिए यहाँ पर नमक की परत आपके सामने, ये देखिए ये सूखने के बाद में हैं, हाथ फट जाएगा कोई नहीं। ये देखिए ये नमक अभी तैयार हो रहा है, और फिर इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पूछते हैं और ज़्यादा प्रोसेस। आइए, धूप है ऊपर, बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण जब मैं चश्मा निकाल के अगर इसको देखते हैं ना, तो सीधा प्रकाश है, क्रिस्टलाइज होते हैं ना क्रिस्टल, वैसे चमक चमक के आंखों में पड़ रहे हैं, तो आंखों से खुली आंखों से इसको देखने में आंखों में पानी आ रहे थे। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर क्यारी के पास में, जो व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं इनको हमने बुलाया, ये आ गए। जानते हैं इनके पैरों की तरफ देखिए, इनसे जानेंगे नमक कैसे बनता है। बहुत ही ख़राब स्थिति है इनके पैरों की, एकदम पूरे दिन नमक में रहने से कट गए होंगे शायद। दोस्तों हमारे साथ में गुमा राम जी, और ये यहीं पर काम करते हैं, आप यहीं पर करते हो? क्या काम करते हो? नमक बनाते हैं साहब। नमक बनाते हो? हाँ। तो आपने पैरों में कुछ पहन तो नहीं रखा है, आपके पैरों की हालत तो खराब लग रही है। हाँ, पैर में तो कौन सा नमक लगता नहीं है ऐसे? अब लगे थे, हमने कहीं काम दिनों तो खुलने पड़े। तो कुछ पहन के नहीं कर सकते, चप्पल वगैरह? चप्पल ये काम कौन से फूक छंट उतर पकड़े पानी में फिसल हो गए। अच्छा फिसल जाते हैं। अच्छा अच्छा, और नमक में आप क्या काम करते हो यहाँ पर? यहाँ पर ये नमक बनाते हैं हम। कैसे बनाते हो? पानी कहाँ से आया? पानी ट्यूबवेल है हमारी खोदड़ी इधर। अच्छा, तो नीचे जमीन से खारा पानी आता है? ये है पानी, पहले भेड़ा करना पड़ता है इनको, डिग्री कम है इसमें, डिग्री कम है पानी की, पहले भेड़ा करना पड़ता है। अच्छा। बाद के वहाँ 2 दिन बाद में खोलना पड़ता है इसमें। अच्छा। सुधा दे वहाँ तो ये घट जाता है। अच्छा, ये तो नमक पानी सूखने के बाद में बनता होगा या जमीन में नमक बनता है? नहीं, इसमें डालने में बनता है। इसके अंदर पानी डालोगे तब बनेगा? हाँ, इसमें पानी डालेंगे, पहले ये रोकता है, ये चेहर में पानी पड़े ये रोकना पड़ता है। अच्छा। बाद में डालना पड़ता है 2-3 दिन बाद में। इसमें सिर्फ पानी डालते हो या कोई केमिकल भी डालते हो? कुछ भी नहीं, कोई केमिकल कुछ नहीं। अच्छा। सीधा पानी ट्यूबवेल का बनता है। अगर मैं ट्यूबवेल का, आपके ट्यूबवेल का पानी एक बाल्टी लेकर के अपने घर में जा करके ऐसे फैलाऊं तो नमक बनेगा? कौन बनेगा? क्यों नहीं, जमीन में नमक, जमीन में इसका मतलब मिट्टी से लाग है इसकी। अच्छा, इस मिट्टी में? हाँ, पानी में इतना नहीं है, पानी में है पर ये मिट्टी में बनता है वो। वहाँ तो तुम ले जा राड़ोगा तो पानी सूख जाएगा, वो झोलझोला पापड़ा बनेगा, पापड़ी सी। हाँ, कुछ भी नहीं बनेगा। यहाँ पर नमक बनने के बाद में आप क्या करते हो? नमक बनने के बाद में हम ऊपर बेचते हैं, वहाँ ले जाके। कितने रुपए मिलते हैं आपको? रुपये साहब देखो, ये बार मेहनत नहीं पड़ रही थी, रुपये पे कहेगा मजदूरी है, थोड़ा आटा पीस है, और कुछ भी नहीं है, दम नहीं है इस काम में। तो भी कितने रुपए क्विंटल बिकता है? ये बिके 40 रुपये क्विंटल। 40 रुपये क्विंटल, तो 10 रुपये हमारा, 10,000 क्विंटल बनावा, 10,000 तो हमारे यहाँ उठा पा के ले जाओ। अच्छा, ट्रैक्टर ले जाता है? हाँ,
इनमें 3000 भेड़ो करवा ले ले, इसको वहाँ डिग्रियाँ बना देना। अच्छा, कार्ड वाले ले 7000 निकालने वाले। अब तेल है मूंगा। अच्छा, तेल में इसमें 4 ने हलावा या 7000 महीना का बिन देना पड़े। तो वहाँ जाकर बेच करके व्यापारी क्या करते हैं आगे? व्यापारी आगे बेचता है। यहाँ पर नहीं है फैक्ट्री? हाँ, फैक्ट्री है, कोई पीस व्या भरकट्टा आगे आगे जा सकता लोड उड़। अच्छा, साफ होने के लिए आगे। हाँ, यहाँ से ले जाकर आगे फिर मंडी हमदार में साफ करे, चिल्लियाँ भरे, कुछ भी करे। आपका घर कहाँ पे? मेरे घर पे उधर वो आप देखे रेमान गेट बोलता है वहाँ है। चलिए बहुत। और सर्दी में भी यहीं लगे रहते हो? सर्दी में यहाँ रहना पड़ा ऐसे 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 ही। तो हम तो जुलम ही इसमें लिया है। अगर बारिश आती है तो यहाँ पर आपकी दिक्कत होती है? दिक्कत हो बड़ा अपना मिल जाए टोटो छपल जा हम बैठ जाओ। अच्छा, इनके अंदर बैठ जाते हैं। हाँ, और पूरा गीला हो जाता होगा पानी। नमक बनाया हुआ खराब होता है बारिश से? हाँ होता है। तो ये तो नमक वाला पानी है, और इस साइड में ये पानी कौन सा, इसमें क्या है? नमक का ये है। मैं आपको बोला ना कि ये पानी है ना रोकना पड़ता है हमको। अच्छा, ट्यूबवेल का पानी देता है इसमें। हाँ। तो ये 4 दिन रोकना पड़ता है उसको। अच्छा। 4 दिन बाद में इसमें खोलना पड़ता है, डिग्री बने जाए पानी की डिग्री बन जाए फिर नमक पैदा हो जाए इसमें। अच्छा, तो ये इसको क्या करते हैं, इससे हिला रहे हैं, अभी आप हिला के दिखाना। ये इससे ऐसे हिलाना पड़ता है, कितने कितने दिन से हिलाते हो? डेली लाना पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से इसमें डालते हो क्या? नहीं, अंदर का पानी दे दिया। हाँ, ये थोड़ा बहुत नमक बन जाए। हाँ, 40-50 क्विंटल। हाँ हाँ, बाद में पानी फुल दो इसमें। अच्छा, आवाज तो मतलब एक बार 40-50 क्विंटल नमक इसमें जब बन जाए तब तक पानी देते हो? अच्छा, पहले दे जाए तो ये गल जाए। अच्छा, पहले दे गए तो ये गल जाएगा फिर? क्योंकि ये पानी नमक बढ़ जाए वो डिग्री पकड़ ले तो गलत खाएगा नहीं, ये इसको हिलाते हैं तो ये क्या है कि जम करके टाइट पपड़ी नहीं बनती। अगर टाइट पपड़ी बन गई तो निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर नमक ही नहीं बनेगा। बहुत ही मुश्किल भरा काम है, आसान नहीं है। आप और हम घर पे बैठ के नमक खाते हैं लेकिन नमक बनाना मुश्किल है, एक किसान की मेहनत लगती है इसके पीछे। आप तो पढ़े लिखे हो कि मालिक हाथ पक दिया है, पीछे गुलामी मत करो, हाथ मत फेरो, मजदूरी करो और पेट भरो, शाम का दाल रोटी मिलगी पर मस्त। ये सागे ले आने को ले जाओ, कल जाना है, यहाँ 3 दिन रहना है। ये जमीन किसकी? जमीन तो सरकार की है। अच्छा। ये गरीबों को दी, गरीबों को दी तो गरीब चला सके को नहीं। फिर हम साधन बहुत खर्चा लगता है। अच्छा। कि तेल का साफ कहते कहीं बात तो मैं शाम रोज का 600 रुपये तेल लूँ। अच्छा। 2 दिन लीटर चाली है पानी वाला। अच्छा। तो शाम ने खा जाओ 600 रुपये महीना कितना भैया का उसमें ऑयल लगता है, तेल ही बढ़ता है, सब खर्चा लगे। तो जमीन किसकी? सरकार के नाम है आपकी? नहीं नहीं, ये है धनिया के नाम। अच्छा। भाई तुम्हारे नाम अंके नाम। अच्छा भाई, कह दिए भाई तुम चलो माउन चले कुछ थे बनाओ तो बना लियो। अच्छा, एक तरह ठेके पर ले रखे। हाँ, जमान किराओ दे दियो, ठेका पर है। आप और हम जो घर पर नमक खाते हैं वो इस जमीन के अंदर से पैदा होता है, फिर हम उसको खाते हैं। यहाँ पर काम करने वाले लोग भी किसान है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार नमक निकालने में भी। अब इस कैरी के अंदर आप देख सकते हैं नमक इकट्ठा कर दिया है, और इकट्ठा करने के बाद में ये पानी सूखने के बाद यहाँ से उठाएंगे। लेकिन ये बीच में श्याम बिहारी की क्या मन में आई, जो पत्थर लेकर के, ये नमक के ही पत्थर हैं, सेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये, फिर पैर रख दिया, ये अंदर जाकर काम करेंगे शायद, इनकी इच्छा हो रही होगी मन में। गिरेंगे, बच गए, कैसे जोखिम उठा लेते हैं पता नहीं। शायद ये अब चैलेंज, ये सीधा नमक के ऊपर, 2-4 क्विंटल नमक तो नुकसान कर ही दिया होगा, बेचारे बुजुर्ग काम पे लगे हुए हैं वहाँ पर, अभी सावधान की स्थिति में शायद गिरने की चांस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, गिरेंगे या बचेंगे? बच गए, नमक खराब भले ही हो लेकिन गिरना नहीं है, इनको पता है।
ये फोटो के लिए पोज दे दिया। चलो भाई फोटो खींच देते हैं हम इनकी। ये क्या मन में आई भाई, कूदेंगे? अच्छा चलिए। ये वो नमक पीछे ही गिर गया सारा का सारा। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया था कि अगर वो हाथ से इस तरह से नमक को कंटिन्यू नहीं हिलाए तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में ये जैसे जैसे सूखता है तो धूप से जो ऑटोमेटिक इसके अंदर ये पपड़ी जो इतनी ऊंचाई के अंदर उठ रही है, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन ये बहुत बड़ी परत है और कड़क भी है, और ये अपने आप ही सूख सूख करके ऊपर उठ रही है। देखिए कैसे उठ रही है आप। मार मुझे साग मुको मारे लात मारे। ये आप देख सकते हैं हाथ से नहीं पैरों से चढ़ मार गई। आओ ये बहुत गलत जगह पे। ये लाल कैसे? पकने से पहले कच्चा नमक लाल होता होगा। गो टू हेल। आपको पपड़ियां दिखानी है, पपड़ियां तो ये है, देखिए ये है पपड़ियां नमक की, ये पपड़ियां हैं, ये देखिए ऐसे ही टूट जाती है इतने जोर जोर से मुक्के लात मारने के लिए। ये देखिए पपड़ियां। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले यहीं पर पास में एक मंदिर भी है, उसके भी दर्शन कर लेते हैं। एकदम इस लेक के पास में ही है, लेकिन जहाँ पर हम थे उससे थोड़ा दूरी के ऊपर है ये मंदिर है। एक बार फिर से पढ़ाय माता जी का मंदिर है, ये कुल देवी है पढ़ाय, और ऊंचाई के ऊपर है। ये भी प्राचीन मंदिर है और इसको भी मुगलों ने मूर्तियां जो खंडित की हुई है, लगभग 1200-1300 साल पुराना मंदिर है ये। और ये पुजारी मंदिर के कितने साल पुराना? 1300 साल पुराना। तो मूर्तियां खंडित कैसे हुई? मुगल काल के अंदर। किसने बनवाया था? यहाँ पर कोई साल में विशेष प्रोग्राम? हनुमान जयंती के पहले दिन। अभी 18 अप्रैल का है। और उससे पहले यानी कि लेक पर आने से पहले हम डीडवाना के अंदर ये हनुमान जी का मंदिर और वाटिका के पास में, बहुत ही अच्छा लेक के पास में इस मंदिर पर भी हम गए थे। ये डीडवाना के अंदर ही है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे मैं बिस्कुट क्यों खोल रहा हूँ। बिस्कुट मैं खुद खाने के लिए नहीं खोल रहा हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी दिखाता हूँ, ये डीडवाना के अंदर एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, श्री श्याम वाटिका और हनुमान मंदिर कुछ इस तरह से है देखिए। और इस मंदिर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाया हुआ है, और उस घर के अंदर दो चार छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। देखिए उन बच्चों को मैं दिखाता हूँ आपको, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे। ये देखिए ये घर है, ये देखिए। बिस्किट जो हमने यहाँ पर रख दिए, सभी जो खिलाने थे वो खिला दिए। छोटा सा घर देखिए कितना अच्छा यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये छोटे छोटे जो कुत्ते के बच्चे किस तरह से खा रहे हैं बिस्किट, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर इनको बिस्किट खिलाने के बाद में। और जो एक्स्ट्रा बिस्किट थे बाकी हमने क्या किया, आसपास रख दिए, वो फिर थोड़ी देर के बाद में इनकी कुत्तों की माँ जो कुतिया है वो आकर के खा रही थी। ये देखिए ये उसकी माँ है। तो दोस्तों हम लोग जो है वो पूरे राजस्थान की यात्रा पर निकले हैं, और इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। ये डीडवाना है, राजस्थान की खारे पानी की झील है यहाँ पर प्रसिद्ध, जहाँ बनता है नमक। आप हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन। अगर नमक भेजना है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फ्रॉम डीडवाना गोइंग टू नेक्स्ट कुचामन। थैंक यू, बाय बाय।